पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। इसमें प्यारे भाई बहनों, हम इन दिनों माता मरियम के शोधारोहण की तैयारी में हैं। हर रोज हम माँ मरियम के एक एक गुण पर मनन चिंतन करके वो गुण को अपनाते हुए प्रभु यीशु के नजदीक आना चाहते हैं। हम माता मरियम के विशेष गुण पर, जो गुण हम दूसरों में बहुत कम देखते हैं, कि दूसरों की दुख दर्द को अपनाते हुए उस दुख दर्द को पिता परमेश्वर के पास पुत्र द्वारा पहुंचाना। हाल ही में मैं एक शादी में भाग लिया था। मिसा संपन्न होने के बाद इस लड़की की जिसकी शादी में मैं गए थे, उनके माँ बाप आकर मुझे हॉल में जहाँ पार्टी चल रहे थे वहां लेके गए। पार्टी हॉल के दरवाजे पहुंचते ही वे खुद अचंभे में पड़ गया। बात यह था कि जितने भी लोग बुलाए गए थे, हर एक व्यक्ति अपने लिए कुर्सी पकड़ने की कोशिश में भाग दौड़ कर रहे हैं। जो नई शादी के वो लड़का और लड़की हॉल में आए, मुश्किल से कुछ लोग खड़े होकर उसको स्वागत करने के लिए थे। लेकिन हम माता मरियम को कान्हा की शादी में एक अलग रूप में देखते हैं। वो भी आमंत्रित थे दूसरों की तरह, लेकिन माँ मरियम उस घर की जो कमी थी, उस घर को जो परेशानी में डाल सकते थे, उस कमी को पूरी करने के लिए अपने पुत्र के पास निवेदन करते जाते हम देखते हैं। यह है माँ मरियम की विशेषता। अपने पुत्र पुत्रियां जिनको पिता ईश्वर ने कालवरी पहाड़ पर अपने पुत्र द्वारा समर्पित किया था, उनके पुत्र ने उनके हाथ में दे दिया था, माँ मरियम के हाथ में दे दिया था, वह पुत्र पुत्रियों के लिए माँ अपने पुत्र के पास रोज विनती करते हैं। यानी माँ मरियम की सहायता, माँ मरियम की विनती, माँ की मध्यस्थता हमारे बहुमूल्य है। किसमें प्यारे भाई बहनों, माँ मरियम किस प्रकार हमारी बातों को प्रभु के पास ले जाते हैं, उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक जंगल में किसान रहते थे, अपनी छोटी मोटी खेती करके उसने अपने घर की देखभाल कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी इकलौता बेटा बीमार हो गई बुरी तरह से। उनके पास पैसे नहीं थे उसको पास वाले शहर में ले जाए और अच्छे ट्रीटमेंट कर सके, लेकिन वह पैसा की कमी के कारण वो कर नहीं पाए। तो उसने माँ पति पत्नी ने दोनों मिलकर विचार विमर्श किया और यह तय किया कि वह अपने राजा के पास जाएंगे, उस राजा से विनती करके सहायता मांगेंगे। तो वह दोनों मिलकर अपनी खेती में गए, वहां से कुछ राजा को भेंट करने के लिए कुछ ढूंढा, कुछ नहीं मिला। आखिर में कुछ दुबले पतले 3-4 केले मिले। तो ये राजा को किस प्रकार पहुंचाओ, राजा गुस्सा कर सकते हैं, सहायता के बल दंड मिल सकते हैं। तो उसने सोचा पहले राजा की मम्मी के पास, रानी के पास जाएंगे, रानी माँ के पास जाएंगे, रानी माँ के द्वारा राजा के पास पहुंचेंगे। उसी प्रकार अगले दिन वे ये केले लेकर रानी माँ को मिलने जाते हैं। रानी माँ को मिलकर ये केला भेंट करते हैं और अपनी दुख दर्द की बात उनके सामने रखते हैं। रानी माँ ने वो ले लिया। रात को जब राजा आए, वो अच्छी सी एक थाली में, सोने की थाली में मोती हीरे सब सजाते हुए और फूल बड़ी तरह से रखते हुए उस केले को राजा को समर्पित किया। राजा उस भेंट को देख बहुत खुश हो गए और किसानों को अगले दिन बुलाते हैं, उसके ढेर सारे इनाम देते हैं। किसमें प्यारे भाई बहनों, हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं, हम पापी हैं, हम दुख दर्द में हैं, क्योंकि माँ मरियम हमें अपनाते हैं, हमें सजाते हैं उनके गुणों से और पिता परमेश्वर के पास पुत्र द्वारा पहुंचाते हैं। आइए किसमें प्यारे बहनों, इस दिनों आज के दिन में हम यह दृढ़ संकल्प करें, हमारे दुख दर्द परेशानियां बीमारी कुछ भी हो, हम माँ मरियम के पास चढ़ाने में मत भूलिएगा। माँ की पद जो शक्ति है
अपार शक्ति है, वही एम्ब्रोसी द्वारा हम हर रोज पाते हैं। आप सबों को माता मेरी के त्योहार की शुभकामनाएं। माँ अपने पुत्र के पास आप सबों को पहुंचा दे। सब कुछ यीशु की।